हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा यूनिक कक्षा से। अभी हमने पिछले सेशन में देखा था कि लिनक्स परमिशंस क्या होती हैं, किस तरीके से लिनक्स परमिशंस सेट करते हैं, हम किसी भी रिसोर्स के ओनरशिप किस तरीके से चेंज करेंगे, ग्रुप किस तरीके से चेंज करेंगे, राइट। यहाँ अगेन हम लिनक्स के स्पेशल परमिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, where is my machine? So now आप ये देखिए, ll-d/sales-data। मेरे पास एक ये रिसोर्स है जिसका ओनर रूट ग्रुप सेल्स और अदर को यहाँ कोई भी परमिशन नहीं है, राइट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपके सेल्स ग्रुप में कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं? शिफ्ट की। तो सेल्स में एक हमारे यूजर बर्बोसा है, एक संजय है, एक जैक है। गुड, मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ। चलिए देखते हैं इस फोल्डर के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ एक jack.txt है, एक myfile.txt है, एक संजय.txt। ओके, तो आपको पता है जो यूजर सेल्स ग्रुप के मेंबर हैं, दे आर एबल टू एक्सेस ऑफ दिस फोल्डर, वो इजीली एक्सेस कर लेंगे, करेक्ट। होता क्या है, यूजर जैक यहाँ लॉगिन करता है और वो एक सेल्स डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जाता है, राइट। वो अपनी फाइल को चेक करता है, jack.txt। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, यहाँ हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, राइट। दिस इज जैक फाइल, ये जैक की फाइल है, राइट। wqll, अभी रीड कीजिए इस फाइल को, इसके अंदर डेटा है। माई फाइल rm-rf, माई फाइल ये रूट ने बनाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, करेक्ट। अभी आपके पास एक संजय डॉट टीएक्सटी है जो संजय नाम के यूजर ने बनाई थी, परफेक्ट। अगेन क्या होता है, यहाँ यूजर बर्बोसा लॉगिन करते हैं और वो भी सेल्स डेटा के अंदर जाते हैं और वो अपने कुछ रिसोर्स बनाते हैं, फाइल बनाते हैं बर्बोसा डॉट txt, इंसर्ट दिस इज बर्बोसा फाइल और ये भी सेल्स ग्रुप के मेंबर हैं। इन्होंने देखा कि भाई जैक के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैक, ओके। इनके दिमाग में क्या आता है, rm-rf जैक, इन्होंने जैक की फाइल को डिलीट कर दी। वाह, वेरी गुड। अगेन जैक को कुछ काम करना है, अपनी फाइल के अंदर कुछ डेटा पेंट करना है, वो दोबारा फोल्डर के अंदर जाते हैं और देखते हैं, ओके, यहां तो मेरी फाइल ही नहीं है, मैंने तो फाइल बनाई थी, राइट। मैंने तो फाइल बनाई थी यार, ये तो दिक्कत है, 100% बर्बोसा ने मेरी फाइल को डिलीट किया हुआ। अच्छा, तुमने मेरी फाइल डिलीट की, लो मैं भी तुम्हारी फाइल डिलीट कर देता। दोनों ने एक दूसरे की फाइल डिलीट कर दी, ओके। अब जब बर्बोसा लॉगिन करता है तो उसको डेटा नहीं मिल रहा, जैक लॉगिन कर रहा है तो उसका डेटा नहीं मिल रहा, दोनों में फाइट हो जाती है, तुमने मेरी फाइल डिलीट करी, तुमने मेरी। होता क्या है, दोनों रूट के पास जाते हैं और एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं। बोलते हैं कि आपने जो सेल्स डेटा नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने अपने रिसोर्स बनाए थे और इसने मेरी फाइल डिलीट कर दी, इसने मेरी फाइल डिलीट कर दी, संजय की फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है वो, ओके। रूट क्या बोलते हैं, डोंट टेक टेंशन, आई हैव ए सोल्यूशन। नाउ स्पेशल परमिशंस कम टू द पिक्चर, राइट। स्पेशल परमिशन यहां आपके पिक्चर में आती है, दैट इज स्टिकी बिट, राइट। मैं क्या करता हूं, आपके रिसोर्स के ऊपर, फोल्डर के ऊपर स्टिकी बिट अप्लाई कर देता हूं। तो स्टिकी बिट अप्लाई करने से क्या होगा, आप एक दूसरे की फाइल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, राइट।
आप एक दूसरे की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं स्ट्रिंग की बिट अप्लाई कर देता हूं। दोनों बोलते हैं ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए किस तरीके से करते हैं, सी एच एम ओ डी। स्ट्रिंग की बिट हमेशा अदर यूजर के लिए अप्लाई होती है। सो ओ प्लस टी, एंड नाउ पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एल एल हाइफन डी स्लैश सेल्स डेटा। मेरे इस फोल्डर पर कोई भी स्ट्रिंग की बिट पहले से नहीं लगी हुई है, पता कैसे चलेंगे? यहां आपको टी का सिंबल आ जाएगा, राइट? तो अभी देखिए सी एच एम ओ डी ओ प्लस टी कहां लगानी है, यहां लगानी है। दोबारा परमिशन चेक कीजिए, सेल्स डेटा, देखो टी आ गया। अब क्या बोलते हैं कि जाओ दोनों अपने रिसोर्स बनाओ, और अभी कोई डिलीट नहीं कर पाएगा किसी के। ठीक है, दोनों चले जाते हैं। यहां जैक बनाता है सबसे पहले, कैट जैक डॉट टी एक्स टी, कुछ डेटा इंजेक्ट कर देता है। दिस इज जैक फाइल कंट्रोल डी, फाइल इज अवेलेबल, राइट? आप देख सकते हैं यूजर जैक, ओके। ठीक है, जैक अपना काम करके निकल जाता है। अभी यूजर बरबोसा लॉगिन करता है, वो क्या करता है, वो भी अपने यहाँ कुछ फाइल बना लेता है। कैट बरबोसा डॉट txt, हेलो ऑल, स्टे सेफ, कंट्रोल डी, ओके। अब सॉरी मैं उस फोल्डर के अंदर नहीं गया, यहाँ ये बाहर बन गई है फाइल सेल्स डेटा, यहाँ ये फाइल इस फोल्डर में बननी चाहिए, राइट? चलो दोबारा बना देते हैं। कैट लाइक फाइल का नाम दिया ब्लैक पॉल डॉट txt, दिस इज बरबोसा फाइल। कंट्रोल डी, दोनों फाइल आपके बन गए। बरबोसा के दिमाग में क्या आता है कि पहले तो इसकी फाइल को रीड करके देखें उसने क्या लिखा है, मैं रीड कर पा रहा हूं या नहीं। बिल्कुल रीड कर पा रहा है, क्योंकि आप इस फाइल पे देखिए अदर यूजर के लिए यहाँ ऑलरेडी रीड परमिशन है, लेकिन राइट नहीं कर सकता। राइट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बरबोसा ना तो इस ग्रुप का मेंबर है ना ही ओनर है इस फाइल के। वो बोलता है अच्छा मैं चलो ये देखता हूँ, आर एम हाइफन आर एफ जैक ऑपरेशन नॉट परमिटेड, आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगेन जैक स्पैरो लॉगिन करता है, वो भी जाता है, वो ये देखता है इसमें बरबोसा ने कुछ बनाया रिसोर्स या नहीं बनाया, राइट? सो वो आर एम हाइफन आर एफ ब्लैक पर्ल, ओके, कैन नॉट रिमूव, आप रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। आप फाइल को रीड कर सकते हो, राइट? आप कोई एडिट मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, राइट? आप कोई भी एडिट मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फाइल को रीड कर सकते हो। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड ऑफ द स्पेशल परमिशन दैट इज स्टिकी बिट। सो स्टिकी बिट लगाने से आप अपने फोल्डर पर, जब आप किसी कॉमन फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, तो कोई भी यूजर किसी की भी फाइल को रीड कर सकता है, क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ सेम टीम, वो एक सारे एक ही टीम का पार्ट है, राइट? सो डिलीट नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे यूजर्स ऐसा सोचते हैं मैं इसकी फाइल को डिलीट कर दूं, ये तो एक्चुअली ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, राइट? सो आप इससे बचने के लिए फिर भी स्टिकी बिट अपने फोल्डर के ऊपर लगा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, सो थैंक यू सो मच।